मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक के बीच पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बसपा और सपा के विधायकों के बयानों से यह साफ हो पाया है कि दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे थे। यह भी साफ हो गया कि उमंग सिंघार के ट्वीट के माध्यम से जो कहा था वो बात सही है। पूरी लड़ाई राज्यसभा की सीट के लिए थी। मेरे को पीड़ा इसलिए है कि ये जिन लोगों ने ये सरकार बनाई, कांग्रेस को तो बहुमत मिला नहीं था, सपा बसपा के टेके से सरकार बनी थी। हमने सदन में भी उन्हें उनके लिए लड़ते देखा, पर पीड़ा इसलिए हुई कि उन पर ही शक किया है कि हमने उनको खरीद लिया, बेच लिया, बंधक बना लिया। हम बढ़िया शानदार बच्चे हैं, इसलिए दुखित हुआ, मन व्यथित हुआ। एक बात और है कि अब तो ये बात की पुष्टि हो गई कि दिग्विजय सिंह जी झूठ बोल रहे थे। उमंग सिंघार के ट्वीट की भी पुष्टि हो गई इनके बयान आने के बाद कि मामला कुछ राज्यसभा का है। अब देखते हैं किसको क्या मिलता है, ये मुकद्दर की बात है। लेकिन झूठ पर झूठ बोलना कोई इनसे सीखे, असत्य पे असत्य बोलना कोई इनसे सीखे।